छत्रपति शिवाजी महाराज एज द मैन हु चेंज द पोलिटिकल मैप ऑफ इंडिया इन द 17th सेंचुरी एंड ही चेंज द अर्ली मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया. सो वेन यू आर saying राइट विंग, आई एम saying पीपल ऑन बोथ साइड्स ऑफ द डिवाइड हैव मिसरिप्रेजेंटेड हिम. Because everybody tries to claim Shivaji Maharaj for themselves. Yep, but yep. The truth is somewhere in between. Hello, Vaibhav Purandare ji. Welcome on the show. This is a huge honor to have you here. And hum Shivaji Maharaj ke bare mein bahut baat karenge. But before that, welcome, sir. Welcome on the show. Thank you, Jayesh. Thank you for inviting me to the show. And pehla question to ye mujhe puchna hai ki कैसा लग रहा है आफ्टर द बुक हैज रिलीज्ड. इट्स अ बुक, बाय द वे मैं दिखा देता हूँ, शिवाजी महाराज पे बुक है, वेरी ब्यूटीफुल कवर एंड वन ऑफ द बेस्ट बुक्स जो मैंने आज तक शिवाजी महाराज के ऊपर पढ़ी है, बिकॉज इसमें काफी कंसाइज मैनर में आपने बहुत कुछ बताया है अबाउट द मिथ्स जो पहले के हिस्टोरियंस ने क्रिएट किए थे, उनकी कुछ मिस्टेक्स है, देन ऑब्वियसली जो शिवाजी महाराज की स्टोरीज है. इट वॉज अ लवली रीड. लाइक आई प्रोबेबली रेड इट इन 6 or 7 days एंड आई टुक सम टाइम, क्योंकि ये बुक इतनी अच्छी थी ना, आई डिडंट वांटेड इट टू फिनिश. Thank you, James. Thanks a lot. It's good to know that. Yeah. तो हम start करते हैं conversation को and शिवाजी महाराज पे जब हम conversation करते हैं तो जो लोग मुंबई में हैं उन्होंने बचपन से stories सुनी है, मैंने भी मेरी दादी से सुनी है, schools में हमें बताया जाता है, but still शिवाजी महाराज के बारे में जब भी हम सुनते हैं it's like कि और सुनना है. तो my first question is कि आप शिवाजी महाराज को define कैसे करते हैं, because men like him पता नहीं शायद डेकेड्स में एक बार बर्थ लेते हैं. ही वाज अ गुड स्टेट्समैन, एक बहुत अच्छे आर्मी जनरल, जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन स्टाइल था, देन द रिफॉर्म्स जो उन्होंने लाए एंड बहुत इंक्लूसिव उनकी पॉलिसी थी. तो आप डिफाइन कैसे करते हो ऐसे एक इंसान को? ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा जयेश आपने. इसका उत्तर ये है कि आई वुड डिफाइन छत्रपति शिवाजी महाराज एज द मैन हु चेंज द पोलिटिकल मैप ऑफ इंडिया इन द 17th सेंचुरी. And he changed the early modern history of India. And he not only built an independent state, but he sowed the seeds of the destruction of the Mughal Empire. Ab Mughal Empire in the 17th century, itna powerful tha ki it covered 1/5 of the world's known surface. Aur wo Afghanistan mein shuru hota tha, northwest mein, aur Bengal mein khatm hota tha. और जब हम दक्षिण की बात करते हैं, जिथे जिसे उस ईरा में दक्खन कहते थे, तो बेसिकली इट इज द एंटायर साउथ ऑफ इंडिया, यू नो, राइट. तो इट इंक्लूड्स महाराष्ट्र आल्सो, दो इट इज महाराष्ट्र इज वेस्टर्न इंडिया, बट एट दैट टाइम इट वाज पार्ट ऑफ द डेक्कन, दे यूज्ड टू कंसीडर इट पार्ट ऑफ द दक्षिण. तो वहां पे भी मुगल एम्पायर जो था वहां पे आने की कोशिश कर रहा था 17वें शतक में, और शिवाजी महाराज ने उनको रोका, वहां फैलाव करने से उनको रोका, और इतना ही नहीं अपना एक स्वतंत्र राज्य निर्माण किया और मुगलों को इस तरह से मुकाबला किया कि इवेंचुअली द मुगल्स वाइल ट्राइंग टू फाइट द मराठास बिकेम वीकर एंड वीकर एंड द मराठास ग्रू स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर टू द पॉइंट व्हेन इन द पोस्ट शिवाजी इरा द मराठास went all the way up to Attock, which is now in Pakistan, in the north, and in the east up to Bengal. Right. और west में तो वो थे ही, western India में तो वो थे ही, दक्खन में. तो इस तरह से उन्होंने मराठा राज्य की स्थापना की और उसका उसका फैलाव बाद में हुआ. बस उसकी नींव उन्होंने डाली और वो राज्य स्थापित इस तरह से किया और इस values को लेकर किया कि औरंगजेब के जो फैनेटिकल वैल्यूज थे उनको मुकाबला कर एक सहिष्णु हिंदू राजा के रूप में वो उभरे और सभी सभी धर्मों को, सभी समाज को, समाज के विविध अंगों को, विविध जाति को एकत्रित कर उन्होंने ये फाइट दी मुगलों के खिलाफ और बहुत ही बड़ा रिजॉल्व दिखाया. तो उन्होंने वो पूरा पूरा भारत का नक्शा बदल दिया. तो वो डेफिनेशन ये है कि शिवाजी महाराज वो व्यक्ति है जिन्होंने अर्ली मॉडर्न हिस्ट्री में भारत का नक्शा पूरी तरह से बदल दिया सिंगल हैंडेडली. और उसका उनका बड़प्पन इस बात में है, उनका ग्रेटनेस इस बात में है
कि मुगल एम्पायर वॉज अ जाइगेंटिक एम्पायर और वो तो शुरुआत कर रहे थे. ही वॉज एन ऑर्डिनरी पर्सन फाइटिंग द एम्पायर बट ही स्टिल बैटल द फाइट एम्पायर एंड ही बिकेम सक्सेसफुल. तो दैट राइट मेक्स हिम एक्सेप्शनल. राइट राइट एंड ये बात ना लाइक व्हेनेवर मतलब आई एम स्टूडेंट ऑफ जियोपॉलिटिक्स, हाँ तो जब भी मैं पढ़ता हूँ जियोपॉलिटिक्स के बारे में कि कैसे एम्पायर्स ने उस जमाने में कॉन्कर किया था या आज भी जो एक्सपेंशनिज्म चालू है, तो इट ऑलवेज बैफल्स मी कि एक मुगल एम्पायर है जो इतना बड़ा सल्तनत है, शिवाजी के आजू बाजू में भी देर वॉज आदिल शाही था, कुतुब शाही, निजाम शाही, एंड फिर एक इंसान आता है और डेक्कन में अपनी खुद की शुरुआत करता है और राइट इतना बड़ा एक एम्पायर बनाता है एंड लोगों को राइट इंस्पायर करता है उनके जाने के बाद भी, जैसे हम देखते हैं संभाजी महाराज से, देन करेक्ट ताराबाई, फिर पेशवा थे, एंड करेक्ट फिर दे ऑलमोस्ट कॉन्कर ऑल ऑफ इंडिया एंड या मोर देन इंडिया आई थिंक सो, अटक से कटक. करेक्ट तो लेट मी टॉक अबाउट हिज पॉलिटिकल फिलोसफी, क्योंकि आपने बुक में एक बहुत अच्छी लाइन लिखी है विच इज ही वॉज एस्टैब्लिशिंग अ हिंदू पॉलिटी, वन दैट वॉज ब्रॉडली इंक्लूसिव, टॉलरेंट एंड ऑल एनकम्पासिंग, एंड एट द सेम टाइम ड्रैंक डीप ऑफ द फाउंटेन ऑफ हिंदू कल्चर एंड सिविलाइजेशन. राइट एंड एट द सेम टाइम जब आज हम शिवाजी महाराज को देखते हैं तो हम ये भी नोटिस करते हैं कि अ लॉट ऑफ पीपल पेंट हिम और मेक हिम द पोस्टर बॉय ऑफ यू नो लाइक राइट विंग हिंदू नेशनलिज्म. तो वेन यू से कि वो इंक्लूसिव थे फॉर हिम ऑल द रिलीजन्स वर सैक्रोसैंक्ट, तो क्या एग्जैक्टली उसका मीनिंग है? उसका मीनिंग ये है कि उनका जो राज्य है वो हिंदू वैल्यूज पर स्थापित है. और हिंदू वैल्यूज क्या है? हिंदू वैल्यूज आर ऑफ टॉलरेंस, इंक्लूसिविटी, रिस्पेक्ट फॉर ऑल फेथ्स. तो शिवाजी महाराज ने अपने जो सैनिक थे उनको लिखित रिटन इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं. और जो काफी खान उनका है, बहुत बड़ा प्रतिस्पर्धी एंड समबडी हु हेटेड शिवाजी महाराज हैज रिटन, द मुगल ऑफिशियल हिस्टोरियन हैज रिटन एंड ही हैज कॉल्ड शिवाजी महाराज ऑल काइंड्स ऑफ नेम्स. ही हैज अक्यूज हिम ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स. बट काफी खान इज फोर्स टू कंसीड दैट शिवाजी महाराज हैड रिस्पेक्ट फॉर ऑल फेथ्स. ही हैड इंस्ट्रक्टेड हिज सोल्जर्स दैट इफ दे वर कैप्चरिंग अ फोर्ट और अ प्लेस एंड दे फाउंड अ कॉपी ऑफ द होली इस्लामिक बुक ऑफ द कुरान, दे मस्ट ट्रीट इट विद द हाइएस्ट रिगार्ड एंड रिटर्न इट टू इट्स राइटफुल ओनर विद द रिस्पेक्ट इट डिजर्व्स. उसी प्रकार से जो मुस्लिम पीर थे, जो मुस्लिम संत थे, काफी जगह थे, वो महाराष्ट्र में भी थे, डेक्कन में भी थे, तो अगर वो सामने आए तो उनको आदर से ट्रीट किया जाए, ये उनकी ऑर्डर्स थी. और उन्होंने, शिवाजी महाराज ने 1664 में सूरत में अपनी पहली रेड की और वहां पे एक क्रिश्चियन लोगों का मिशन था. फ्रेंच, इट वाज कॉल्ड द फ्रेंच कैपुचिन मिशन एंड आई हैव मेंशन्ड दिस इन माय बुक. एंड द ब्रिटिशर्स हैव रिटन द अकाउंट ऑफ दैट. इट्स नॉट एज इफ द मराठास आर क्लेमिंग दिस क्रेडिट फॉर देमसेल्व्स. द ब्रिटिशर्स हैव रिटन कि शिवाजी महाराज ने आदेश दिए थे उनके सैन्य को कि वो जो फ्रेंच कैपुचिन मिशन में जो क्रिश्चियन प्रीस्ट है, जो धर्म का काम करने वाले लोग हैं, उनको किसी प्रकार से कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ये आप देख लीजिए, क्योंकि वो अच्छे लोग हैं, अच्छे काम कर रहे हैं. उतना ही नहीं, शिवाजी महाराज ने अपने सैन्य का एक कुछ भाग, छोटे से कुछ एक यूनिट, उस क्रिश्चियन मिशन को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके बाहर खड़ी कर दी थी ताकि उनको कोई तकलीफ ना हो जाए. और इसका उल्लेख मेरी किताब में है, जो किताब आपने दिखा है उसमें इसका उल्लेख है. तो हिंदू धर्म के प्रति उनको बहुत आस्था थी. उनको बहुत बुरा लगता था जब हिंदू धर्म पे कोई अटैक होता था एंड ही असर्टेड हिमसेल्फ एज अ हिंदू. सो व्हेन यू आर सेइंग राइट विंग, आई एम सेइंग पीपल ऑन बोथ साइड्स ऑफ द डिवाइड हैव मिसरिप्रेजेंटेड हिम. Because everybody tries to claim Shivaji Maharaj for themselves. But the truth is somewhere in between. He was a proud Hindu. He was an assertive Hindu. When Aurangzeb attacked Hindu temples, destroyed Hindu temples, and imposed the Jizya tax and other unfair customs duties on Hindus, Shivaji Maharaj ने उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हुए उनको एक पत्र लिखा, जो मैंने
किताब में भी है, किताब में दिया है, राइट जिनमें जिनमें उन्होंने कहा है कि ये आप जो कल कर रहे हैं वो बहुत ही गलत है, और हिंदू धर्म और इस्लाम एक ही परवरदिगार के, भगवान के रूप है, और उसमें आप जो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं वो बहुत पूरी तरह से गलत है। तो एट द राइट सेम टाइम जब बीजापुर कहता है कि, और बीजापुर का एक लिखित आदेश है कि हिंदुओं को एक पोजीशन के ऊपर का पोजीशन नहीं देना चाहिए हमारे स्टेट में, तो उनके वो खिलाफ है, लेकिन इन रिटेलिएशन ही डज नॉट डिसाइड दैट ही विल नॉट गिव मुस्लिम्स अ हाई स्टेटस इन हिज आर्मी। जैसे कि मैंने लिखा है किताब में, उनके दो नेवी एडमिरल्स, चीफ ऑफ नेवी, ये मुसलमान थे, दौलत खान और दरिया सारंग दरिया सारंग वेंट जी, ये दोनों ही मुसलमान हैं। तो उन्होंने इस प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया, उन्होंने हिंदू धर्म का प्रोटेक्शन किया, जरूर किया, तो वो भी सच है, और उन्होंने दूसरे धर्मियों के खिलाफ कभी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया, उनका आदर किया, और मेरिटोक्रेट के रूप में उनको राइट जो पोजीशंस देनी थी वो उनके मेरिट पे दी। तो ये उनका, सो ही इज इन द रियल सेंस अ वेरी ब्रॉड माइंडेड किंग एंड बट इंक्लूसिव किंग। लाइक आपने एक शब्द का यूज किया मेरिटोक्रेट, मतलब मेरिट के बेसिस पे उन्होंने सबको पोजीशंस दी, एंड जी एज यू हैव मेंशन्ड इन द बुक कि उनके लिए हर रिलीजन सैक्रोसैंक्ट था. बट अब मेरा क्वेश्चन ये है कि लाइक वो एक ऐसा पीरियड था जब रिलीजन वाज वेरी क्लोज टू द किंग्स, मतलब स्टेट एंड बिल्कुल रिलीजन एक थे. तो उस टाइम पे एक इंसान ऐसे कैसे हो सकता है कि जब आप आपके आंखों के सामने देख रहे हो कि आपके रिलीजन के जो टेम्पल्स है उन्हें तबाह किया जा रहा है, नष्ट किया जा रहा है, जो लोग हैं उन्हें बहुत तकलीफ दी जा रही है, एंड आप बिल्कुल रिवेंज नहीं लेते हो, एग्जैक्ट हाँ सेम वे में आप रिवेंज नहीं लेते हो. तो हाँ वेयर डिड दिस फिलोसफी कम फॉर हिम, लाइक कहाँ से ये एक सीड ऑफ आई डोंट नो, लाइक लिबरलिज्म उनमें आया, व्हाट वाज दैट? नहीं जयेश, क्या होता है ना, हम 21st सेंचुरी के हमारे जो चर्चा हो, हमारे इर्द गिर्द जो चर्चा हो रही है ना, वो डेफिनेशंस लेकर नहीं चल सकते। हमारा कुछ और डेफिनेशन है ऑफ लिबरलिज्म, ऑफ सेक्युलरिज्म, ऑफ हिंदुइज्म एंड ऑल दैट। तो शिवाजी महाराज वॉज एक्चुअली असर्टिंग हिमसेल्फ एज अ हिंदू, तो उसका मतलब ये था कि आप जो बोल रहे हैं ना, उन्होंने उनके खिलाफ रिवेंज नहीं लिया, रिवेंज लिया, वो रिवेंज इस तरह से लिया कि एक अच्छा शासन स्थापित कर कर, और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ वो हिंदू शासन था, लेकिन वो हिंदू शासन इस रूप में था कि वो सर्वसमावेशक ऐसा शासन था। एट द सेम टाइम ही एस्टेब्लिश्ड दैट द रिस्पेक्ट फॉर द हिंदू फेथ, जैसे कि नेताजी पालकर उनके जो कमांडर थे वो मुगलों को ज्वाइन हो गए थे और शिवाजी महाराज से दूर हो गए थे कुछ साल के लिए, और औरंगजेब ने उन्होंने उनको कन्वर्ट किया इस्लाम में, और 10 साल के बाद वो शिवाजी महाराज के पास वापस आए, तो शिवाजी महाराज ने सिर्फ उनका स्वीकार ही नहीं किया लेकिन उनको रिकन्वर्ट किया हिंदू के रूप में। तो ये क्या दिखाता है कि ही इज री एस्टेब्लिशिंग द रिस्पेक्ट दैट ही थिंक्स हिंदुइज्म डिजर्व्स। ही कुड हैव अलाउड नेताजी टू रिमेन अ मुस्लिम, ही डज नॉट डू दैट। गोवा में एक मंदिर है, सप्तकोटेश्वर मंदिर, जिसको डिमोलिश किया गया था फिरंगों से, पोर्चुगेज लोगों से, उनकी उसकी वो पुनर्स्थापना करते, तो ये किसका वाह द्योतक है? ये दिखाता है कि वो ही इज असर्टिंग हिमसेल्फ। तो उनका जो सांस्कृतिक और कल्चरल आइडेंटिटी है, सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी एज अ हिंदू, ही डज नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। राइट राइट बट एट द सेम टाइम व्हेन ही इज एनफोर्सिंग हिज लॉ, ही डज नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट अदर पीपल ऑफ अदर फेथ्स। तो अगर मुसलमानों ने कुछ लोगों को हायर पोजीशंस नहीं दी उनके राज्य में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि शिवाजी महाराज उनके राज्य में मुसलमानों को हायर पोजीशंस नहीं देंगे। करेक्ट अगर औरंगजेब बहुत बड़ी संख्या में मंदिरों को तोड़ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत बड़ी संख्या में शिवाजी महाराज मस्जिदों पर कुछ हमला करने वाले, नहीं, ही डज द ऑपोजिट, बिकॉज राइट ही लुक्स एट हिंदुइज्म लाइक दैट। ओके वो उनका उस प्रकार का हिंदू राज्य है जो सहिष्णु है, जो सबको आदर से ट्रीट करता है। सो यू आर राइट दैट दैट ही डज नॉट एस्टेब्लिश अ थियोक्रेटिक हिंदू स्टेट इन दैट सेंस। राइट एवरीबडी डज नॉट हैव टू फॉलो द हिंदू रिलीजन, बट ही सीज हिंदुइज्म
as the basis of a universal humanity, and that's how he implements his policies. ये उनका राइट political philosophy. करेक्ट. तो आपने औरंगजेब का जिक्र किया, एंड नाउ मैं जब भी किसी से बात करता हूँ अबाउट शिवाजी वर्सेस औरंगजेब, इट्स ऑलवेज हिंदुइज्म वर्सेस इस्लाम. तो ये मतलब इज दिस रियलिटी, या ये भी एक तरह का मिथ जो प्रोबेबली लेटर हिस्टोरियंस थे उन्होंने क्रिएट किया था? अगेन जयेश, आई एम सेइंग दिस इज नॉट अ मिथ, दिस इज अ रियलिटी. ये हिंदुइज्म वर्सेस इस्लाम इसलिए हो गया क्योंकि औरंगजेब ने एक प्रकार की पॉलिसीज इम्प्लीमेंट करना शुरू की और बहुत ही वो फैनेटिकल हो गए. उन्होंने अपने कोर्ट में म्यूजिक बंद कर दिया. वो बहुत ऑर्थोडॉक्स हो गए. उन्होंने रिटन ऑर्डर्स दिए हैं जो मुगल कोर्ट रिकॉर्ड्स में है, टू डेमोलिश द काशी टेम्पल, टू डेमोलिश द अदर अदर टेम्पल्स, सो मेनी ऑफ द टेम्पल्स ही डिमोलिश. वो जजिया टैक्स लगाते हैं हिंदुओं पर, तो हिंदुओं को ज्यादा टैक्स, यू नो, क्योंकि वो इस्लाम को फॉलो नहीं करते हैं तो उनको एक टैक्स देना पड़ता है उसके लिए, क्योंकि उनका विश्वास नहीं है इस्लाम पर. तो ये दिस इज सम काइंड ऑफ पनिशमेंट. और अगर हिंदू ट्रेडर है तो उसको कस्टम्स ड्यूटीज बहुत ही हाई लगती है, और इस्लाम धर्मीय को कस्टम्स ड्यूटीज बहुत लो लगती है. तो इसके पीछे उनका इरादा बहुत स्पष्ट था कि हिंदुओं को इस तरह से पनिश किया जाए कि वो इस्लाम का स्वीकार करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, और हिंदू धर्म स्थल को उध्वस्त किया जाए एंड ऑल दैट. सो इट डिड बिकेम अ हिंदुइज्म वर्सेस इस्लाम थिंग. इट इज राइट दैट इट बिकेम दैट थिंग. एंड शिवाजी अपहेल्ड द वैल्यूज ऑफ हिंदुइज्म, बट ही अपहेल्ड द वैल्यूज ऑफ हिंदुइज्म इन सच अ वे दैट ही ट्रूली मेड हिंदुइज्म यूनिवर्सल. And he upheld the universal values of the religion. So, you know, it is not black and white. The truth is grey. Correct. You know, so अगर एक साथ एक 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 साइड कहे कि इसमें धर्म का कुछ संबंध ही नहीं है, तो वो भी सच नहीं है. और अगर दूसरी साइड कहे कि ये पूरी तरह से धार्मिक ही लड़ाई थी, तो वो भी सच नहीं है, क्योंकि वो राजकीय लड़ाई थी, वो सामाजिक लड़ाई थी, वो एक व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई थी, और वो व्यवस्था इस्लामिक थी. इसीलिए शिवाजी महाराज प्रोटेस्ट नहीं कर रहे थे, वो व्यवस्था अनजस्ट थी, वो ऑप्रेसिव सिस्टम थी, इसलिए शिवाजी महाराज प्रोटेस्ट कर रहे हैं. तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस फैक्टर्स, तो उसको आप ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं प्रोजेक्ट करते. तो अभी जो आप कह रहे हैं वो ब्लैक एंड व्हाइट प्रोजेक्ट करने का प्रयत्न सभी तरह के पोलिटिकल आइडियोलॉजी से होता है, लेकिन आई एम अ हिस्टोरियन, सी आई कैनॉट गो आउट सीकिंग टू कन्फर्म समथिंग और टू डिनाई समथिंग. आई हैव टू गो आउट सीकिंग द ट्रूथ, और जो ट्रूथ मुझे दिखाई दिया मेरे रिसर्च जब मैं कर रहा था वो सच ये है. गॉट इट, गॉट इट. एक जो मुझे चीज हमेशा से लाइक आई वांटेड टू आस्क समवन अबाउट दिस, व्हिच इज अगेन दिस इज द ग्रेटनेस ऑफ शिवाजी महाराज. एक टाइम था जब जो मावल रीजन्स थे, जिन्हें आपने भी बुक में मेंशन किया कि नेग्लेक्टेड रीजन्स थे बिकॉज बहुत माउंटेन्स एंड बैरन लैंड एंड एवरीथिंग, शिवाजी गोज देयर एंड ही मेक्स फ्रेंड्स विद मावल्स, एंड फिर उसके बाद में मावल्स उनके सबसे ग्रेटेस्ट ऑफ वॉरियर्स बन जाते हैं. तो ये क्या कहानी थी, कौन थे मावल्स, मावल रीजन्स आज क्या है महाराष्ट्र में, कैन यू मतलब शेड लाइट ऑन दैट? नहीं, मावल का जो रीजन है वो सह्याद्री हिल रेंजेस में है, हमारे वेस्टर्न कोस्ट से करीबन 40 माइल्स अंदर की तरफ, एंड दैट इज वेयर द यू नो दैट इज वेयर द माउंटेन स्टार्ट क्लाइंबिंग एंड देन दे गो डाउन अप टू द यू नो एंड देन यू हैव द डेक्कन प्लेटो. सो मावल इज द रीजन विच इज इन बिटवीन इन द माउंटेन्स, और वो हिल्स के जो लोग थे वो जैसे आपने कहा पूरी तरह से निग्लेक्टेड थे. और शिवाजी महाराज को ये ध्यान में आया कि ये जो इलाका है ये बहुत ही निग्लेक्टेड है, यहाँ के लोग बहुत ही सीधे हैं, हार्डवर्किंग है, प्रामाणिक है, और उनको एक अच्छे शासन की जरूरत है. वो अन्याय से पीड़ित है, उनको उनके हक की उन्होंने समझ करके दी, उनके हक कैसे कैसे मिलने चाहिए उनको, इस प्रकार का उन्होंने उनको विश्वास दिया और इस प्रकार का कार्य शुरू किया. आपको अगर उदाहरण एक दू जो मेरी किताब में है कि जब शिवाजी महाराज 16 साल के थे और उन्होंने अपनी राजमुद्रा प्रकाशित की, इंस्क्राइब की, तो वो अपने पिता का जो जागीर था पुणे के
आसपास और मावर का जो जागीर था उसकी उसकी देखभाल करते थे। तो उनको एक तकरार आई एक गांव की महिला से, एक सामान्य गांव की महिला से, कि उसके ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। उस महिला ने कहा कि गांव के पाटिल ने किया था। पाटिल कौन है? द पाटिल इज द हेड ऑफ द विलेज, ही इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, ही ऑल्सो डज पुलिसिंग ड्यूटीज फॉर द विलेज। तो अब उस प्रकार की व्यवस्था ऐसी थी कि आप पाटिल के खिलाफ कंप्लेंट किससे करोगे? जागीरदार, जागीर को जो संभाल रहा है उससे करोगे। लेकिन तभी के लोग सुनते नहीं थे। वो जागीरदार कहता था कि आप पाटिल से बात कर दीजिए, आप पाटिल पाटिल के खिलाफ पाटिल से ही कंप्लेंट कैसे करें? करेक्ट ये एक समस्या थी। तो इस महिला ने जब कंप्लेंट की तो शिवाजी महाराज ने पहले तो ये डिटरमिन किया कि ये कंप्लेंट जेन्युइन है कि नहीं, और जब ही वॉज कन्विंस्ड कि ये जेन्युइन कंप्लेंट है तो इमिजिएटली ही गेव कैपिटल पनिशमेंट टू द पाटिल राइट और उनके हाथ पैर तोड़ दिए गए। ओ उन्होंने वाह आदेश दिया। तो ऑफकोर्स दैट इज कैपिटल पनिशमेंट ऑफ द 17th सेंचुरी। वी नो लॉन्गर हैव पनिशमेंट्स लाइक दैट, बट वी आर लुकिंग एट दैट पीरियड। या और उन्होंने उनको जो शिक्षा दी, तुरंत जो शिक्षा फरमाई और वो शिक्षा का इम्प्लीमेंटेशन हुआ, तो मावड़ के लोगों में और सामान्य जनता में एक प्रकार का उनका मूड पूरी तरह से बदल गया। इसका कारण ये था कि उनको ये आदत नहीं थी कि कोई अकाउंटेबिलिटी भी होती है लोगों की, कि राइट अगर किसी ने अन्याय किया तो उसको शिक्षा भी हो सकती है, क्योंकि सभी अंधाधुंध प्रकार था। सभी राजा, महाराजा, सरदार, देशमुख, पाटिल अपनी मनमानी करते थे। उनको पूछने वाला कोई नहीं था। उनको उन्होंने अगर सामान्य जनता को तकलीफ दी तो राइट उनको कोई शिक्षा देने वाला नहीं था। और एक 16 साल का लड़का आता है, जागीरदार का बेटा, और इमिजिएटली एक्शन लेता है। तो इससे एक प्रकार की भावना लोगों के मन में उत्पन्न हुई कि ये आदमी है जो हमारे बच्चों का भवितव्य, हमारे कुटुंब का भवितव्य, हमारा खुद का भवितव्य, हमारा जो लैंड है, जो जमीन है, जो देश है, उसका भवितव्य इसके हाथ में सौंपे और इसका साथ दे, तो इट विल बी अ गुड थिंग। एंड दैट राइट वाज द बिगिनिंग। एंड ही रिपीट्स दीज एक्ट्स, एंड यू नो हिज एक्शंस डेमोन्स्ट्रेट हिज सिंसियरिटी एंड कमिटमेंट टू जस्टिस एंड टू अ न्यू ऑर्डर दैट विल नॉट बी अनजस्ट बट विच विल बी करेक्ट बेस्ड ऑन 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 रियल जस्टिस। तो इस प्रकार से वो अपना शासन स्थापित करते गए। जैसे कि उन्होंने मावड़ में बहुत ही जल्दी कोई रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में चेंजेस लाए, तो बहुत ही तभी वॉरफेयर बहुत होता था, लड़ाई या राइट नॉन स्टॉप लड़ाइयाँ होती थी। तो और पूना के आजू बाजू के काफी रीजन्स के लोग छोड़ के गए थे वो पूरा रीजन, क्योंकि देयर वाज सिंपली नो स्टेबिलिटी। तो शिवाजी महाराज ने लोगों को इंसेंटिव्स दिए कि आप वापस आइए। ही रीसेटल्ड द पॉपुलेशन देयर, और उन्होंने कहा कि आप इतने अगर पेड़ लगाएंगे तो आपको मैं इतना परसेंटेज ऑफ द फ्रूट यू कैन कीप, आई यू वाह नो द स्टेट विल टेक ओनली सो मच परसेंटेज। तो लोगों को विश्वास उत्पन्न होना शुरू हुआ कि नहीं, ये कुछ ठीक से व्यवस्था स्थापन कर रहा है आदमी। तो ही सिस्टमेटिकली वेंट अबाउट बिल्डिंग थिंग्स, एंड दैट इज व्हाट बिल्ट फेथ इन द माइंड्स ऑफ द पीपल, एंड दे कमिटेड देमसेल्व्स। सी व्हाई डिड दे कमिट एक्स्ट्रॉर्डिनरी एक्ट्स ऑफ ब्रेवरी? बिकॉज दे वर कन्विंस दैट दिस इज द मैन हु कैन सिक्योर द फ्यूचर ऑफ आर लैंड, ऑफ आर फैमिलीज, ऑफ आर राइट चिल्ड्रन, ऑफ आर वेमेन। राइट राइट इनफैक्ट दिस इज बैफलिंग अगेन बिकॉज वी एज वी वर हैविंग द कॉन्वर्जेशन एंड हमने कहा कि हम उस एरा को उस पीरियड को मॉडर्न लेंस से नहीं देख सकते बट एट द सेम टाइम देयर इज दिस मैन शिवाजी महाराज जो उस एरा में मॉडर्न एरा की टेक्निक्स यूज करके अपने स्टेट को बिल्ड कर रहे हैं ही इज प्रोग्रेसिव ही हैज दोज रिफॉर्म्स एंड हम रिफॉर्म्स के बारे में भी बात करेंगे जो उन्होंने लाए थे बट सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट मार्वल्स एंड आपने बुक में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मेंशन की है जो कि आई डोंट थिंक सो ज्यादा लोगों को पता थी अब तक एटलीस्ट द नॉर्मल पीपल विच इज मराठा हिस्ट्री एंड द मिथ ऑफ हिंदवी स्वराज। तो मार्वल्स के साथ में जैसे बहुत लोग कहते हैं कि उन्होंने एक ओथ लिया था ऑफ हिंदवी स्वराज बट आपने मेंशन किया कि इट वॉज अ मिथ एक्चुअली जो बिल्ड किया था या एक तरह से आ गया था तो वॉट इज दिस थिंग नहीं, मैं एक बात
स्पष्ट करना चाहता हूँ जयेश, कि कोई भी मिथ होता है ना, उसका एक अलग महत्व होता है, क्योंकि वो एक समाज का जो कल्चरल हिस्ट्री है और जो सेंटिमेंट है और संस्कृति है उसको दर्शाता है। तो वो एक प्रतीक के रूप में उसको देखना चाहिए। वो प्रतीक है कि शिवाजी महाराज ने से ओथ ली थी और उन्होंने ये किया था। लेकिन मराठा हिस्ट्री का जो संशोधन करने वाले लोग हैं, वो सभी लोगों ने ये एस्टैब्लिश किया है, और ये 100 साल पहले ही एस्टैब्लिश हुआ है, आज ऐसे हुआ है ऐसे नहीं है। लेकिन हमें ये कोई बताता नहीं है कि वो जो ओथ लेने का जो की जो घटना है, वो एक सरदार के घराना के पत्र में आती है, और वो पत्र जेन्युइन नहीं है, ये साबित हुआ है। वो पत्र उन्होंने कुछ जमीन का, उनका झगड़ा चल रहा था तो उनके कजिन्स के खिलाफ प्रूफ देने के लिए कि ये जमीन हमारी है, वो उन्होंने कुछ फॉर्जरी की थी, तो वो पत्र उस फॉर्जरी का भाग है। लेकिन वो जो घटना है ओथ टेकिंग की, उसको प्रतीक के रूप में देखे तो वो शिवाजी महाराज की रेजॉल्व, डिटर्मिनेशन ये दिखाती है। तो व्हेन आई एम डेमोलिशिंग मिथ्स, आई हैव डेमोलिश्ड प्लेंटी ऑफ मिथ्स इन द बुक, बट व्हेन आई एम डेमोलिशिंग देम, आई एम एट द सेम टाइम अवेयर दैट मिथ्स हैव देयर ओन रोल इन सोसाइटी एंड इन पब्लिक लाइफ, बट यस दैट स्टोरी इज नॉट ट्रू, एंड यू नो ही डज नॉट नीड एन इवेंट टू टू मेक दैट रिजॉल्व। एवरी एक्शन ऑफ हिज डेमोन्स्ट्रेट्स हिज रिजॉल्व, सो ही डज नॉट नीड अ एब्सोल्युटली ग्रैंड सेरेमनी टू डू समथिंग, यू सी। राइट राइट एंड वन मोर थिंग जो मुझे पूछनी थी, आपने राजमुद्रा का जिक्र किया था थोड़ी देर पहले, तो इस राजमुद्रा मतलब सील होता है ना? हाँ, रॉयल सी। तो रॉयल सील, एंड दिस इज अगेन फ्रॉम द बुक, आपने मेंशन किया है कि उनके जो फादर थे शाहजी राजे, उनकी जो सील थी, आई थिंक सो इट वॉज इन पर्शियन, हाँ, इट वाज इन पर्शियन। एंड उनकी जो मदर थी जीजाबाई, उनका भी सेम पर्शियन में था, बट देन हाँ, कम्स अगेन शिवाजी महाराज एंड ही मेक्स हिज करेक्ट राजमुद्रा विच इज इन संस्कृत. सो करेक्ट। वेयर डिड ही लर्न संस्कृत? वॉज ही अ स्कॉलर ऑफ संस्कृत या क्या था ये? नहीं देखिए, यहाँ पे फिर से धर्म आ जाता है और धार्मिक तत्व आ जाते हैं, क्योंकि जब जब से अलाउद्दीन खिलजी डेक्कन में आए, तब से उन्होंने एक रेडिकल इस्लाम का आक्रमण शुरू किया, और इस्लाम एस्टेब्लिश हुआ। उसके बाद लिबरल इस्लाम भी आया, और 16वें शतक में एक आदिल शाह था जो बहुत ही बड़ा सहिष्णु आदिल शाह था बीजापुर का, और वो इनफैक्ट गणपति का एक भक्त था। ओ जैसे वाह. दारा शुको 17वीं सेंचुरी में उपनिषद और वेदों के स्कॉलर हुए, उसी तरह ये आदिल शाह भी बहुत ही ब्रॉड माइंडेड था। लेकिन 17वीं सेंचुरी जब तक आती है, तब आप देखते हैं कि आदिल शाही में भी फैनेटिकल अप्रोच आ जाता है। तो तभी ये रिटन ऑर्डर्स आ जाती है कि हिंदुओं को ये स्थान नहीं देना है, सैन्य में ये स्थान नहीं देना है, वो स्थान नहीं देना है, एंड एंड शिवाजी महाराज डिसाइड्स टू रिवोल्ट अगेंस्ट दिस। और जो पर्शियनेट कल्चर है उसके खिलाफ भी वो, उनका रिवोल्ट जल्दी शुरू हो जाता है, क्योंकि वो देखते हैं पर्शियन के खिलाफ वो नहीं है, लेकिन अगर पर्शियन उनकी खुद की भाषा जो है, इस देश की सेंचुरीज की जो भाषा है, क्लासिकल लैंग्वेज एक संस्कृत, उनको अगर उसको अगर वो वाइप आउट कर रहा है तो वो उनको मान्य नहीं। सो अगेन इट एस्टेब्लिशेस आवर पॉइंट दैट ही इज असर्टिंग हिमसेल्फ एज अ हिंदू बाय बाय इंस्क्राइबिंग इज सील इन संस्कृत इंस्टेड ऑफ पर्शियन। और जो साउथ के राजाज हैं उस वक्त के, वो लोग भी तभी पर्शियन में अपनी सील्स निकालते थे, लेकिन शिवाजी महाराज ऐसे नहीं करते। 16वें साल में संस्कृत में वो सील निकालते हैं, और दैट सील इटसेल्फ इज अ स्टेटमेंट दैट आई विल नॉट अलाउ यू टू राइड ऑल ओवर मी, यू नो यू कांट वॉक ऑल ओवर मी, मेरी खुद की सही. आइडेंटिटी है, मैं आपकी आइडेंटिटी का सम्मान करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं, यू कैन वॉक ऑल ओवर मी। सो दैट इज द बिगिनिंग ऑफ इज असर्शन इन फैक्ट दैट सील। और एक उदाहरण उसका मैं दूंगा, अगर यू नो वेयर अगेन हिंदुइज्म कम्स इन एंड ऑल्सो द राइट बैलेंस कम्स इन, कि ऑल द राजाज ऑफ दैट टाइम, इवन द हिंदू राजाज ऑफ द साउथ हु वर कंसिडरेबली वीकेंड राजाज,
दे यूज टू कॉल देमसेल्व सुल्तान, दे गेव देमसेल्व द टाइटल ऑफ सुल्तान. जब शिवाजी महाराज ने का कॉरोनेशन हुआ तो उन्होंने जो टाइटल लिया वो छत्रपति था, तो वो सुल्तान टाइटल नहीं था. तभी तो सभी यू नो द कंट्री वॉज डोमिनेटेड बाय इस्लामिक सल्तनत एंड द मुगल एम्पायर, राइट वो सुल्तान खुद को कह सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने छत्रपति कहा. उन्होंने वेदों वेदों का उच्चार कर कर अपना कॉरोनेशन किया. तो ये वो राइट हिंदू धर्म को असर्ट कर रहे हैं. सो इज दिस राइट टू से कि उस टाइम में जब हिंदुइज्म वाज मतलब एक तरह से निकल रहा था, मिट रहा था, हाँ, शिवाजी महाराज ने रिवाइवल किया है मतलब हिंदुइज्म का एक तरह एब्सोल्युटली, से. इट इज राइट टू से दैट दैट ही रिवाइव्ड हिंदुइज्म एंड ही रिवाइव्ड हिंदू वैल्यूज. ओके नाइस वाओ ओके तो दिस इज लाइक एज वी एज आई वाज सेइंग कि इतने सारे उनके आजू बाजू में देर आर सो मेनी एनिमीज एंड फिर एक इंसान आता है जो इस तरह से हिंदुइज्म का रिवाइवल करता है एंड ही गोज ऑन टू मेक द होल नेशन हिज. एंड ऑल्सो मैंने ये कहीं तो पढ़ा था, आई डोंट नो वेयर एग्जैक्टली, डिड शिवाजी महाराज हैव मोर देन 25 एनिमीज एट अ टाइम? See, the count actually is endless, क्योंकि आप ओके देखोगे depends on who you are calling an enemy. Because एक तो मुगल बादशाह है जो पूरी पूरा देश कंट्रोल कर रहा है ऑल द वे अप टू अफगानिस्तान, और वो इतना मजबूत है कि उसको फाइट करना एक सामान्य आदमी के रूप में अशक्य है. एंड राइट शिवाजी महाराज एक्चुअली डज दैट थिंग, यू नो, या या ही हैज द करेज टू टेक दैट. फिर डेक्कन में दूसरी सल्तनतें हैं. एक तो बीजापुर है आदिल शाही, जो दक्कन की सबसे मजबूत सल्तनत है. दूसरी तरफ कुतुबशाही है गोलकोंडा की, जो भी मजबूत है. जो आपका सी कोस्ट है वहां पे ब्रिटिश लोग हैं. गोवा में पोर्चुगीज है, दूसरी जगह भी पोर्चुगीज है. ईस्ट में फ्रेंच है और डच लोग भी हैं, और ब्रिटिश अपनी फैक्ट्रियां अलग अलग जगह पर स्थापन कर रहे हैं. तो और अगर ये तो एक्सटर्नल एनिमीज है, लेकिन इंटरनल भी तो है, क्योंकि काफी जो वेस्टेड इंटरेस्ट है, जो पहले से सरदार हो, वो मराठा हो या दूसरे सरदार हो, वो उनके खिलाफ लड़ रहे हैं. क्योंकि वो जो एस्टेब्लिश्ड किंगडम्स है उनके बिहाफ पर शिवाजी महाराज के खिलाफ लड़ रहे. सो बहुत सारे देशमुख हैं उनके खिलाफ लड़ने वाले, बहुत सारे उनके आप्त स्वकीय है, जो उनके खुद के फैमिलीज के भी, एक्सटेंडेड फैमिली के भी लोग हैं उनके खिलाफ लड़ने वाले. तो ऐसे तो बहुत लोग हैं, लेकिन आप देखेंगे जो सामान्य जनता है, और उसमें एक बात एडमिट करने पड़ेगी कि काफी सारे देशमुख भी वो जीत लेते हैं उनके साइड पे ग्रेजुअली, हाँ क्योंकि वो दे ग्रेजुअली गेट कन्विंस्ड दैट ही इज द राइट मैन. और बट सबसे बड़ी उनकी अचीवमेंट है यह है कि सामान्य से सामान्य आदमी जो पावरलेस है, वो उनके लिए जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं. तो आई थिंक दैट इज एन एक्स्ट्रॉर्डनरी क्वालिटी ऑफ अ लीडर. वो उनका वाह लीडरशिप क्वालिटीज, उनका करिश्मा, हिज अपील एंड द सिंसियरिटी ऑफ द पर्पस. गॉट इट. सो व्हेन वी लुक एट शिवाजी महाराज एंड इतने सारे एनिमीज आपने जैसे बताया है, जो लेसर किंग्स थे जो उनसे मतलब कम पावरफुल थे, हाउ डिड ही ट्रीट देम? मतलब वॉज द ट्रीटमेंट सेम जो मुगल्स ने मराठास के साथ किया वैसा ही ट्रीटमेंट था, या ही हैड अ कॉर्डियल रिलेशनशिप विद दोज लेसर किंग्स? सी, शिवाजी महाराज इज अ वेरी इंटेलिजेंट निगोशिएटर एंड अ वेरी इंटेलिजेंट रूलर. तो ही ऑल्सो गोज अबाउट बिल्डिंग एलाइज. तो अगर कोई दूसरे राजा उनको उनके खिलाफ नहीं लड़ रहे, तो ही ऑल्सो जॉइंस हैंड्स विद देम. ही ट्रीट्स अदर किंग्स ऑल्सो विद रिस्पेक्ट, बट इफ दे आर हॉस्टाइल ही अटैक्स देम. सो डिपेंड्स ऑन वॉट दे आर लुकिंग एट, वॉट देयर पर्पज इज, what their objective is. If they are serving the objective of the enemy, if they want to finish him and his state and his people, then he will be hostile to them. But if they are cooperating in his political enterprise, if they have the same aims and ideals, then he supports them and allies with them. इसका एक उदाहरण ऐसा है कि छत्रसाल नाम का एक लड़का बुंदेलखंड से आता है, और वो कहता है कि आई वॉन्ट टू ज्वाइन अर आर्मी. बट शिवाजी महाराज ऐसे नहीं बोलते कि हाँ मुझे एक जूनियर मिल गया, वहां पे भी मैं राज्य करूंगा. नहीं, वो उसको कहते हैं आप बुंदेलखंड जाओ, आपका खुद का राज्य स्थापन करो.
एंड वी विल एलाई टूगेदर. तो वाह शिवाजी महाराज इज नॉट जस्ट सीकिंग टू डोमिनेट एवरीथिंग फॉर हिमसेल्फ, ऑफकोर्स ही इज टेकिंग लैंड, ही इज एक्सपांडिंग स्टेट, ही वॉन्ट्स टू एक्सपांड स्टेट एज मच एज पॉसिबल. बट ऐसे नहीं है कि जस्ट बिकॉज समबडी हैज कम, ओके नाउ आई फाउंड अ न्यू फॉलोअर, लेट मी टेक हिम. नो, ही सेज आपका वहां पे स्वतंत्र राज्य स्थापित करो और औरंगजेब को मुकाबला करो. ये हमारा एम एक ही है. तो जब एम एक होता हो जाता है तो वो सहयोगी हो जाते हैं उस एंटरप्राइज में. राइट सो लाइक बट इसके पीछे रीजन क्या था, मतलब छत्रसाल को बोलना कि यू गो मेक योर ओन किंगडम, इसके पीछे रीजन क्या था? बिकॉज इट्स वेरी इजी फॉर दोस टाइम्स कि आप जाके रूल कर लो एंड यू गिव देम जागीर और समथिंग, बट शिवाजी महाराज ने वो नहीं किया. व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट? नहीं, एक तो देयर इज एन अवेयरनेस कि औरंगजेब के खिलाफ जितने नए फ्रंट निर्माण हो जाते हैं ओके उतना वो औरंगजेब के खिलाफ की जो लड़ाई है वो अधिक पावरफुल हो जाती है. डिवाइड हो जाएगी. राइट हाँ. दूसरा ये है कि उनको ईगो नहीं है कि आई वॉन्ट टू बी द लीडर. यू नो, अदर्स कैन ऑल्सो लीड देयर ओन पीपल एंड ही अंडरस्टैंड्स द स्ट्रेंथ्स ऑफ दैट पर्सन इन हिज ओन रीजन. सो ही अंडरस्टैंड्स छत्रसाल्स स्ट्रेंथ्स इन दैट ओन रीजन. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग ही इज नॉट सेइंग ओके नाउ आई विल टेक छत्रसाल्स पार्ट ऑफ दैट कंट्री. ही टेल्स हिम गो एंड डू योर थिंग. So करेक्ट. he is accommodating and he is also intelligent because he sees that if the war against Aurangzeb broadens, it's going to help his cause. Right. So it's strategic and also at the same time it's visionary. And any visionary act is not entirely selfish. That's why his ego does not come in the way that, you know, okay, some small place also I want, this also I want. Correct. But of course, he's expanding his kingdom at the same time. Right. He goes to Karnataka, he goes to Andhra, he goes to Tamil Nadu. He goes all the way up to the Tamil coast, right. To the eastern coast. Right. तो जो लोग बोल रहे हैं ना कि कुछ लोग कि सिर्फ उनका महाराष्ट्र में ही उनको राज्य स्थापित करना था, तो वो सही नहीं है. उनका राज्य मराठा संस्कृति, मराठी संस्कृति, मराठा संस्कृति, वो उसका बेसिस तो थी ही उनके राज्य की. मराठा संस्कृति और हिंदू संस्कृति में इसमें इनकम्पैटिबिलिटी नहीं है, वो कंपैटिबल है दोनों. और वो इसी उसी ब्रॉडर हिंदू सिविलाइजेशन भारतीय संस्कृति का भाग है एक. लेकिन वो सिर्फ मराठी मराठी नहीं थी, वो मराठा राज्य था जो सर्व समावेशक ऐसा राज्य. राइट राइट. इनफैक्ट ये बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज जब हम शिवाजी महाराज को देखते हैं तो ही इज अ ग्रेट स्टेट्समैन, ही इज अ ग्रेट वॉर जनरल, मतलब मिलिट्री जनरल, बट विद दैट ही इज ऑल्सो अ ग्रेट डिप्लोमैट एंड अ फॉरेन मिनिस्टर. बिकॉज ही जैसे वो छत्रसाल वाला हमने इंसिडेंट लिया तो दैट वॉज एक्चुअली अ बफर जोन. देन वी सी कि जब वो अपनी नेवी क्रिएट करते तो ही इज वेरी इंटरेस्टेड इन मेकिंग ट्रेड रूट्स, तो फॉरेन पॉलिसीज एंड प्लस डिप्लोमेसी ऑब्वियसली. लाइक ही गोज टू औरंगजेब, आगरा जाते हैं उनसे मिलने. Then he comes back and he tells him ki main sirf bach ke aap se aaya because I was afraid for my life. But we all know ki he took that time and then unhe apna wapas se rebuild kiya. So, I mean, this is just baffling. So, I wanted to talk about the Navy. Because recently insignia change hua hai Indian Navy ka bhi and ek tarah se dedication hai Shivaji Maharaj ko. And uske andar mein kaafi debate bhi hui hai. So, there's this... वन आर्टिकल बाय द वायर, ये मनोज जोशी जी ने लिखा है एंड आई दिस स्टेट फ्यू लाइन्स फ्रॉम देयर. ही सेज दैट एट बेस्ट द मराठा नेवी इज द फादर ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड. देन ही गोज ऑन टू से द इंडियन नेवी एक्चुअली ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वेरी ब्रिटिश इन बॉम्बे हु हैड स्कर्मिश्ड विद शिवाजी इन 1798. इट टुक लाइफ एज बॉम्बे मरीन एंड इन अर्ली 19th सेंचुरी इट प्लेड मेजर रोल इन एस्टैब्लिशिंग ब्रिटिश सुप्रीमेसी. देन इट गोज ऑन टू बिकम रॉयल इंडियन मरीन्स एंड लेटर इंडियन नेवी. बट देन पीएम मोदी इन हिज स्पीच ही सेज कि शिवाजी महाराज करेक्टली इज द फादर ऑफ इंडियन नेवी. देर हैज बीन डिबेट की ओके शिवाजी महाराज हैज एस्टैब्लिश्ड हिज नेवी, बट क्यों नहीं हम चोलास को वो डेजिग्नेशन देते, स्पेशली राजेंद्र चोला जिन्होंने ईस्ट के तरफ जाके काफी कॉन्कर भी किया. तो व्हाट इज दिस होल डिबेट एंड व्हाई इज शिवाजी महाराज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन नेवी? ओके, आपने चोलास का जिक्र किया तो फर्स्ट आई विल गेट इनटू दैट. चोलास ने बहुत बड़ी नेवी की स्थापना की, वो साउथ ईस्ट एशिया में गए, इसके बारे में कोई भी डाउट नहीं. And there is no question of underplaying or undermining the contribution of the Cholas. They were mighty warriors and they established
अ पावरफुल नेवी, देर इज नो डाउट अबाउट दैट. बट एट द सेम टाइम शिवाजी महाराज इज यूनिक इन टर्म्स ऑफ नेवी बिल्डिंग, एंड आई विल एक्सप्लेन वाई. अब चोलास का जो एम्पायर है वो 1250 मतलब 1250 के करीब वो एम्पायर खत्म हो जाता है. उसके बाद जो अलाउद्दीन खिलजी और दूसरे लोग आते हैं तो उसमें द इस्लामिक इन्वेजन्स बिगिन, और 5-6 सेंचुरीज उसमें निकल जाती है. और 5-6 सेंचुरीज में ऐसा होता है कि भारतीय लोग अपनी जो नेवी की जो एक्टिविटीज है और स्किल्स है वो पूरी तरह से भूल जाते हैं. वो इस प्रकार से भूल जाते हैं कि आप मुगलों को भारतीय समझे या न समझे, उनका उगम तो उज्बेकिस्तान का है, लेकिन आप मान लो कि वो यहाँ आकर सब सब लोग भारतीय बन गए, लेकिन आप उनको समझे भी तो मुगल जो साम्राज्य है उन्होंने नेवी की तरफ देखा भी नहीं, मतलब अपनी नेवी कभी बिल्ड ही नहीं की. एंड दैट इज सरप्राइजिंग बिकॉज इंडिया हैज अ वास्ट कोस्ट लाइन. जो दक्कन की सल्तनतें बाद में हुई उन्होंने भी नेवी की तरफ ध्यान नहीं दिया, तो उसका परिणाम ये हुआ कि जो फिरंगी लोग समुद्र की रूट से आने लगे. ब्रिटिश यहाँ आकर उनकी फैक्ट्रीज स्थापन किया उन्होंने. पोर्चुगीज लोगों ने 1510 साल में गोवा को कैप्चर किया. फ्रेंच लोगों ने पौंडीचेरी को कैप्चर किया और ईस्ट कोस्ट पर राज करने लगे. डच लोग आए और डच लोग सो अलोंग द कोस्ट लाइन देर आर दीज फोर फॉरेन पावर्स, द ब्रिटिश, फ्रेंच, पोर्चुगीज एंड द डच. एंड देर आर द अफ्रीकन सिद्दीज ऑल्सो हु आर इन जंजीर एंड अदर प्लेस. बट इन स्पाइट ऑफ द रेपुटेशन ऑफ द अरब्स एज अ सी फेयरिंग ट्राइब, द मुस्लिम्स एंड द मुस्लिम रूलर्स हैव कंप्लीटली इग्नोर्ड द नेवी एंड ऑल दीज फॉरेनर्स आर कंट्रोलिंग इंडियाज कोस्ट लाइन. तो ऐसे वक्त में शिवाजी महाराज आफ्टर अ गैप ऑफ 5-6 सेंचुरीज वेन इंडियंस हैव फॉरगॉटन अबाउट द कोस्ट लाइन एंड द फॉरेनर्स आर कंप्लीटली इन कंट्रोल ऑफ द कोस्ट लाइन स्टार्ट्स बिल्डिंग इज नेवी. एंड ही बोरोज टेक्नोलॉजी फ्रॉम द पोर्चुगीज, फ्रॉम द ब्रिटिश. ही एम्प्लॉयज ब्रिटिश इंजीनियर्स, ब्रिटिश पोर्चुगीज इंजीनियर्स टू बिल्ड इज नेवी. तो ब्रिटिश लोगों ने उनके रिकॉर्ड में लिखा है, जो मैंने अपनी किताब में भी लिखा है, कि अरे हमारे इंजीनियर शिवाजी के तरफ जा रहे हैं क्योंकि वो अपनी नेवी बांध रहा है, तो वो हमारे लोग यहाँ वहाँ क्यों जा रहे हैं. तो वो ऑफिशियल उसका उत्तर ऐसे देता है कि अरे वो उनको ज्यादा पैसे दे रहा है, अच्छी वेजेस दे रहा है, तो वो वहां पे जा रहे हैं. तो वो चिंतित है ब्रिटिश लोग. पोर्चुगेज के बारे में भी वही प्रकार हो रहा है कि पोर्चुगेज इंजीनियर्स को वो बुला लेते हैं, उनको पता है कि हमारे पास तो यह टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन नेवी नेवी का महत्व जब 5-6 सेंचुरीज में किसी ने समझा नहीं था वो शिवाजी महाराज समझते हैं. और शिवाजी महाराज तभी एक बहुत बड़ा बैटल फाइट कर रहे हैं, तो इट्स नॉट इजी फॉर हिम टू बिल्ड अ नेवी क्योंकि बहुत ही बड़े पावरफुल किंगडम्स उनके सामने हैं. उनके पास अपना खुद का राज्य स्थापित भी पूरी तरह से नहीं हुआ है, वो ग्रेजुअली इज बिल्डिंग. एंड एट द एज ऑफ 28-29 ही स्टार्ट्स बिल्डिंग द नेवी. ही फर्स्ट कैप्चर्स कल्याण, भिवंडी, द पोर्ट्स देयर, एंड देन ही स्टार्ट्स बिल्डिंग नेवल फ्लीट देयर. और 10-15 सालों में वो इस प्रकार से उस पर काम करते हैं कि बाय द ईयर 1674 व्हेन ही इज कोरोनेटेड एज द छत्रपति, एज द किंग, ही हैज मोर देन 50 कॉम्बैट वेसल्स रेडी. और वो कॉम्बैट वेसल्स विविध प्रकार के हैं, सभी बहुत ही अच्छे हैं और पावरफुल, ऐसे भी नहीं है क्योंकि ये शुरुआत है और नेवी वेसल्स बिल्ड करने में हमको पता है बहुत सालों लग जाते हैं. तो कुछ वेसल्स है वो बड़े हैं, उसमें आप गन्स ले सकते हैं, कैनन्स ले सकते हैं. कुछ वेसल्स छोटे हैं जो पानी में बहुत ही जल जल से अच्छे स्पीड से चल सकते हैं, वो लाइट वेसल्स हैं. कोई तीसरे प्रकार के वेसल्स हैं जो और भी छोटे हैं. तो अलग अलग प्रकार के वेसल्स, फाइटिंग वेसल्स लिए तो 50 से ज्यादा वो बिल्ड करना शुरू कर देते हैं. और वो ट्रेड भी शुरू कर सकते हैं, मोचा और बासरा और दूसरी जो जगह है वेस्टर्न, मतलब वेस्टर्न एशिया में, उसके साथ वो ट्रेड की शुरुआत कर देते हैं. तो उनको ये ध्यान में आ जाता है बहुत ही जल्दी जब वो 20s में होते हैं कि समुद्र का महत्व दो तरीके का है. एक तो सिक्योरिटी एज फार एज नेशनल सिक्योरिटी इज कंसर्न, एंड सेकेंड इन टर्म्स ऑफ ट्रेड.
उनको ये ध्यान में आ जाता है, जो किसी के भी ध्यान में ये नहीं है, मुगल एम्परर के भी ये ध्यान में नहीं है कि मुगल एम्परर के घर के लोगों को अगर मक्का मदीना जाना है तो उनको ब्रिटिश या पोर्चुगीज लोगों से पासपोर्ट और लाइसेंस की जरूरत होती है, परमिट की जरूरत होती राइट है। बीजापुर के सुल्तान को जाना है तो उसको भी परमिट की जरूरत होती है। अगर आपको कुछ स्पाइसेस अगर एक्सपोर्ट करने हैं या दूसरे गुड्स एंड कमोडिटीज इंपोर्ट करने हैं तो आपको फिरंगों से लाइसेंसेस और परमिशंस लेने पड़ते हैं और उनको पैसे राइट देने पड़ते हैं उसके लिए, और उनकी नेवल फ्लीट भी इस्तेमाल करने पड़ती है। तो ही सो दे आर कंप्लीटली इन कंट्रोल। तो ये एक रियलाइजेशन इतने जल्दी होना, ये उनका विजन दिखाता है। और मुगलों के खिलाफ और बीजापुर के खिलाफ लड़ते हुए ये नेवल फ्लीट एस्टेब्लिश करना, दैट इज वाई शिवाजी महाराज इज द फादर ऑफ द इंडियन नेवी। राइट एंड वेर यू आर टॉकिंग अबाउट द पीस दैट यू मेंशन इज या कंसर्न, कि ब्रिटिश स्टार्टेड बिल्डिंग इट, सी दैट इज पार्ट ऑफ द ब्रॉडर डेफिनेशन ऑफ वेदर इंडिया वॉज अ कंट्री बिफोर 1947 और नॉट। देर आर टू काइंड ऑफ पीपल हियर। वन काइंड बिलीव्स दैट इंडिया वॉज ऑलवेज कल्चरली यूनाइटेड या एंड वॉज कल्चरली वन कंट्री, एंड देर इज अनदर सेक्शन दैट बिलीव्स दैट इंडिया बिकेम यूनाइटेड इन द रियल सेंस ओनली इन 1947 एंड ओनली व्हेन द ब्रिटिश पुट टुगेदर अ कॉमन एडमिनिस्ट्रेशन बिफोर 1947। तो इट डिपेंड्स ऑन विच फिलोसफी यू बिलीव इन। नाउ व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट नरेंद्र मोदी डिक्लेयरिंग दैट ही इज द फादर ऑफ द इंडियन नेवी, इट इज नॉट ओनली द बीजेपी विच बिलीव्स इन द कल्चरल यूनिटी ऑफ इंडिया, द बीजेपी ऑफकोर्स टॉक्स अबाउट इट, बट इवन इफ यू रीड पंडित जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इट इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इट टॉक्स अबाउट इंडिया कल्चरल यूनिटी। सो इवन द कांग्रेस इन ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट, और जब अपने हमारे फ्रीडम मूवमेंट के जो बड़े बड़े नेता थे वो यही कह रहे थे कि भारत को ब्रिटिश लोगों ने एक राज्य राष्ट्र नहीं बनाया, ये संस्कृति एक ही थी। जब शंकराचार्य जब शंकराचार्य केरला केरला टू कश्मीर जाते हैं और अपना वेदांत और अद्वैत फिलोसफी जब जब उसकी बात करते हैं तो वो तो कब कब का हुआ हुआ है। राइट और लोग अभी बोल रहे हैं कि ब्रिटिश लोगों ने रेलवे का नेटवर्क खड़ा किया इसलिए भारत एक देश हो गया, ऐसे राइट नहीं है। इनफैक्ट संस्कृति को शंकराचार्य की चार मठ भी अलग चार डायरेक्शंस में, करेक्ट विच करेक्ट सिग्निफाइज की एक एब्सोल्युटली, ब्रॉडर एंड आई एम पर्सपेक्टिव जस्ट का। साइटिंग वन एग्जांपल ऑफ शंकराचार्य, देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स। सो दिस इज अबाउट द डेफिनेशन। सो आई एम समबडी हु अग्रीज विद आवर फ्रीडम मूवमेंट लीडर्स दैट इंडिया वाज कल्चरली यूनाइटेड राइट एंड देयरफॉर शिवाजी इंडीड क्वालिफाइज एज द फादर ऑफ द इंडियन नेवी। दिस डज नॉट मीन वी डोंट गिव क्रेडिट टू द चोलास, ऑफ कोर्स द चोलास डिजर्व क्रेडिट, बट यू लुक एट द हॉस्टाइल सिचुएशन इन विच शिवाजी स्टार्ट्स बिल्डिंग द नेवी, वो शुरुआत है। अगर वो शुरुआत नहीं करते तो फिर सही मायने में ब्रिटिश हमारे फादर ऑफ इंडियन नेवी होते, लेकिन वो शुरुआत राइट शिवाजी महाराज ने की थी और कान्होजी आंग्रे और दूसरे लोग उसको आगे लेकर उन्होंने उस नेवी को और भी बड़ा किया। तो दैट राइट इज द रियल इंडियन नेवी। और चोलास तो भी है, चोलास भी बड़े हैं, शिवाजी महाराज भी बड़े हैं, लेकिन शिवाजी यूनिक है इसके वजह से। गॉट इट सो दैट सेटल्स द डिबेट। बट मुझे ये जानना है कि आफ्टर शिवाजी डेथ व्हाट हैपेंस टू द नेवी। आपने कहा कि कान्होजी आंग्रे उसको और बढ़ाते हैं, तो पेशवाज के टाइम पे भी आई एम श्योर कि नेवी होगी, बट इन द मेन स्ट्रीम मीडिया एटलीस्ट जो फिल्म्स है या पॉडकास्ट वगैरह जो भी आते हैं उसमें हम नेवी के बारे में नहीं सुनते, तो व्हाट हैपेंस टू नेवी। नहीं, कान्होजी आंग्रे रियली मेक्स इट वेरी बिग एंड द ओके ब्रिटिश एंड द अदर पावर्स आर एक्सट्रीमली स्केर्ड ऑफ आंग्रे एंड ही बिल्ड्स अ मैसिव रेपुटेशन फॉर द मराठा नेवी। उसके बाद मराठा नेवी की डिक्लाइन शुरू हो जाती है, तो ओके डिक्लाइन जो होती है उसको भी हमको एक्नॉलेज तो करना ही है कि उसको, और बहुत ही अंतर्गत लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है एंड द मराठास फोकस मोर ऑन द लैंड बिकॉज दे आर कॉन्करिंग द नॉर्थ एंड द करेक्ट ईस्ट, सो परहैप्स द फोकस वेंट अवे फ्रॉम दैट एंड द ब्रिटिश एंड द अदर्स टुक एडवांटेज ऑफ दैट। सो दैट इज वाई वी ऑल्सो से शिवाजी महाराज इज यूनिक, बिकॉज वाइल ही इज कॉन्करिंग टेरिटरी ही ऑल्सो डज नॉट लूज साइट ऑफ द कोस्ट लाइन। राइट एंड राइट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हमको एक मैं ये कंप्लीट करता हूँ नेवी के बारे में, चोलाज और शिवाजी महाराज के बारे में, कि देखिए इन अनदर रिस्पेक्ट शिवाजी इज यूनिक, आई टेल यू वाई। चोलास की जो किंगडम है
उनका जो उगम स्थान है, जो बर्थ प्लेस है, दैट्स इन अ रिवर वैली। तो उनको ना एक एक अंदर से ही पानी का महत्व पता है। एब्सोल्युटली यस दे आर बॉर्न देयर एंड दे आर इंट्रिंसिकली अवेयर ऑफ दैट। शिवाजी महाराज को आप देखिए, वो मावर रीजन में बड़े होते हैं, वो डेक्कन प्लेटो में से आ रहे हैं, वो माउंटेन्स और हिल्स से आ रहे हैं, समुद्र किनारा 40 मील दूर है, लेकिन वो सिस्टमेटिकली समुद्र किनारे के तरफ बढ़ रहे हैं। राइट चोलाज बेसिकली वहां वहीं पे है चोलाज, एंड शिवाजी महाराज हैज द विजन टू मूव टुवर्ड्स द सी लाइन। और जब शिवाजी महाराज अपना कैपिटल एस्टेब्लिश करते हैं रायगढ़ का, ही एस्टेब्लिशेस इट अलोंग द कोंकण कोस्ट लाइन। ही मूव्स अवे फ्रॉम द डेक्कन माउंटेन्स, ही इज कीपिंग हिज बेसिस देयर ऑफ कोर्स, दैट्स एन वेरी इंपॉर्टेंट कोर पार्ट ऑफ हिज किंगडम, बट हिज किंगडम इज ओवरसीइंग द सी। तो राइट उसका महत्व उनको उनको पता चल गया। तो दैट इज अनदर क्रूशियल डिफरेंस। करेक्ट करेक्ट बट लाइक सो ओके देर आर टू क्वेश्चंस इन माय माइंड एंड वेरी डिफरेंट क्वेश्चंस. वन इज वी ऑलवेज नो दिस नाउ कि शिवाजी महाराज वाज अ वेरी कनिंग मैन. ही वाज अ विजनरी एंड वी कैन सी दैट ही वाज प्रोबेबली द फर्स्ट मैन हु डिड अ सर्जिकल स्ट्राइक. लाइक वो शेस्त खान के घर में जाके वहां पे उसकी उंगलियां काट के आते हैं. एंड अफजल खान एज वेल वी नो कि हाउ ही डिफीट्स अफजल खान. ही किल्स अफजल खान इन हिज ओन स्टाइल. वी नो द स्टोरीज बट वॉट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ यू नो दीज टू इंसिडेंट्स इन द ब्रॉडर इंडियन हिस्ट्री का पर्सपेक्टिव. सिग्निफिकेंस ये है कि अफजल खान के किलिंग से ऐसा हुआ कि दक्कन में, डेक्कन में एक एक इन द रियल सेंस ऑफ पावर इज इमर्जिंग। इसकी एक रियलाइजेशन डेक्कन के किंगडम्स को हुई एंड एवरीबॉडी वोक अप। क्योंकि राइट इनिशियली दे वर डिसमिसिव, दे वर सेइंग कि ठीक है कि लड़का कितनी दिन तक लड़ाई लड़ेगा, लेकिन करेक्ट जब अफजल खान जैसे एक मातब्बर बड़े सरदार को के खिलाफ उनको विजय प्राप्त होती है, तो एक तो उनका उनके उनका जो सैन्य है उसका मोराल पूरी तरह से बदल जाता है, उसको एक बहुत बड़ी लिफ्ट मिल जाती है, और बीजापुर सतर्क हो जाता है, और ये बीजापुर को एक डेंजर दिखाई दे रहा है, सतर्क भी हो जाता है, ज्यादा चिंतित भी हो जाता है, और मुगलों को भी समझ जाता है कि ये एक नई पावर इज इमर्जिंग, एंड राइट द ऑर्डिनरी पीपल ऑफ द डेक्कन बिकम मोर कॉन्फिडेंट दैट दे शुड बी बैकिंग शिवाजी महाराज, बिकॉज ही इज नाउ अ पावर टू रेकन विथ एंड ही मस्ट बी सपोर्टेड। और शिवाजी महाराज को एक नया कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यू नो वी कैन बिल्ड आवर स्टेट। तो वो एक सिग्निफिकेंस है। राइट वो सभी को, मतलब उनके एलाइज हो या उनके एनिमीज हो, सभी को ये दिखाई देता है कि ये बहुत ही इंटेलिजेंट, स्मार्ट और स्ट्रेटेजिक वॉरियर है। राइट ये बहुत ही अपना अपना दिमाग का इस्तेमाल करके लड़ रहा है आदमी। एट द सेम टाइम ही इज एक्स्ट्रॉर्डिनरीली ब्रेव, क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रेटेजी प्लान करके शाइस्ते खान के उस कैंप में अंदर जाना, रात को उसकी उंगलियां काटना, इट शोज एक्स्ट्रॉर्डिनरी ब्रेवरी। सो ही इज विलिंग टू राइट टेक एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिस्क फॉर द सेक ऑफ हिज पीपल ऑल्सो। इट शोज हिज लीडरशिप फ्रॉम द फ्रंट राइट एंड इट शोज रिजॉल्व कि कुछ भी करके हमको जीतना है। और इन सी व्हेन यू लुक एट द शाइस्ते खान सिचुएशन ऑल्सो, शाइस्ते खान कम्स एंड कैप्चर्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट शिवाजी हैज राइट टेकन अप टू दैट पॉइंट। तो विद दैट एक्स्ट्रॉर्डनरी एक्ट शिवाजी महाराज रिस्टोर्स कॉन्फिडेंस इन द स्टेट बिल्डिंग एंटरप्राइज, एंड दैट इज अ पावरफुल ब्लो टू द एम्पायर। क्योंकि शाइस्ते खान ये बहुत बड़े मिलिट्री जनरल है, इज वन राइट ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड मुगल मिलिट्री जनरल्स, और वो औरंगजेब के मैटरनल अंकल है, वो मामा है औरंगजेब के। तो इट्स लाइक अ डायरेक्ट अटैक ऑन द एम्परर, यू नो। तो वो बहुत ही बड़ा चैलेंज शिवाजी महाराज इस रूप में बीजापुर और मुगलों के सामने खड़ा करते थे। राइट सो इज दिस राइट टू से कि मुगल एम्पायर के लिए फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड शिवाजी महाराज सबसे बड़े मतलब यू नो एनिमी थे फॉर द मुगल एम्पायर. बिल्कुल, क्योंकि आदिल शाही को तो वो डिफीट कर सकते थे, कुतुब शाही को वो कर सकते थे,
लेकिन शिवाजी महाराज के रूप में उनको जो चैलेंज मिला, उन्होंने बहुत ही कोशिश की शिवाजी महाराज को खत्म करने की, उनका राज्य किसी तरह से खत्म हो जाए, उसका पूरी तरह से प्रयास किया, प्रयत्न किया, राइट उनकी पूरी स्ट्रेंथ लगा दी उसके पीछे, लेकिन वो हुआ नहीं। तो ही बिकेम द बिगेस्ट चैलेंजर एंड द ग्रेटेस्ट प्रूफ दैट ही वॉज द बिगेस्ट चैलेंजर टू द मुगल एम्पायर इज औरंगजेब डिसीजन इमिडिएटली आफ्टर शिवाजी महाराज डेथ इन 1680 टू कम डाउन टू द डेक्कन हिमसेल्फ टू ट्राई एंड वाइप आउट द मराठास बिकॉज ही सीज शिवाजी स्टेट एज द बिगेस्ट थ्रेट टू द एम्पायर एंड ही कम्स हियर एंड ही गेट स्टक इन द डेक्कन बिकॉज द मराठास कीप फाइटिंग हिम एंड ही कांट विन एंड ही एक्चुअली डाइज औरंगजेब गेट स्टक इन द डेक्कन फॉर 25 years एंड ही डाइज इन 1707 ही डाइज इन द डेक्कन ही कैन नेवर गो बैक टू द नॉर्थ सो द मराठास मेक लाइफ वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम एंड इट ऑल स्टार्ट विद द चैलेंज दैट इज थ्रोन एट हिम बाय छत्रपति शिवाजी। राइट, सो लाइक द राइज ऑफ मराठा एम्पायर वॉज बेस्ड ऑफ द तो डिक्लाइन ऑफ औरंगजेब को ये मुगल्स. बिल्कुल तो और औरंगजेब को ये पूरी तरह से पता था कि शिवाजी महाराज एक बहुत बड़ा थ्रेट है उसके लिए, और औरंगजेब सो कॉन्स्टेंटली ये चीज डेमोन्स्ट्रेट्स दिस अवेयरनेस। ही इज अ राइट वेरी शार्प मिलिट्री जनरल, ही इज अ करेक्ट बिग कमांडर, और औरंगजेब को आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। एक तो बहुत ही बड़ा मुगल एम्परर है, उसके अंडर जो मुगल एम्पायर है जितना बड़ा था वो तो किसी भी मुगल एम्परर के अंडर इतना बड़ा नहीं था, इतने बड़ा साइज का एम्पायर के वो राजा है, राइट सम्राट है, लेकिन वो ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं है। लेकिन लोग हमेशा कहते हैं कि ओ ही ही सेड शिवाजी अंडरएस्टिमेटेड इज ना, शिवाजी. बट नो दैट इज नॉट ट्रू। ही ऑलवेज न्यू दैट शिवाजी इज अ बिग थ्रेट एंड ही हैंडल दैट एज अ थ्रेट, बट शिवाजी वॉज टू मच ऑफ अ स्मार्ट लीडर एंड स्ट्रेटेजिस्ट एंड अ चैलेंजर एंड ही अल्टीमेटली एंड औरंगजेब को ये पता था कि इनको अगर खत्म नहीं किया तो मुगल साम्राज्य का भवितव्य को एक बहुत बड़ा धोखा निर्माण हो सकता है, इसलिए औरंगजेब डेक्कन में आए उनके शिवाजी महाराज के निधन के बाद। राइट एंड प्रोबेबली द ग्रेटनेस ऑफ शिवाजी इज की उनकी डेथ के बाद में संभाजी महाराज कंटिन्यूज इट, देन राजाराम ताराबाई कंटिन्यूज इट, देन द पेशवास कंटिन्यू इट, एंड मुगल्स या जस्ट डिक्लाइन फ्रॉम देम. करेक्ट बट वन थिंग जो मुझे बुक पढ़ने के बाद भी लगी, एंड ओवरऑल जब मैं हिस्ट्री पढ़ता हूँ शिवाजी महाराज या मराठा एम्पायर की, आई डोंट नो इफ दिस इज राइट और रॉन्ग, या मेरा प्रॉबली परसेप्शन उस तरह से बन गया है. डिड शिवाजी महाराज अंडर एस्टिमेट द ब्रिटिश? वॉज दैट द केस? बिकॉज वी डोंट सी हिम टेकिंग उतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन टूवर्ड्स देम इवन आफ्टर ब्रिटिशर्स प्रॉबली लाइक उनको धोखा देते, उसके बाद में भी ही इज लाइक कि एक तरह से जाने देते. तो इज दैट राइट, या लाइक दिस इज जस्ट अ रॉन्ग पर्सपेक्टिव दैट आई हैव No, I गॉट? would not agree that he lets him go. I have shown in the book that he imprisons the British officials for providing arms and ammunition to his enemies. He is constantly negotiating with them. See, one thing he always does, he keeps all channels of negotiations open. In fact, he is hostile to the British. In Surat also, his men fight the British everywhere. तो वो hostile है. At the same time, हमको ये ध्यान में रखना है कि उस वक्त ब्रिटिश इतने बड़े नहीं थे कि उनको सबसे बड़ा थ्रेट समझा जाए, तब पोर्चुगीज उनसे ज्यादा बड़े थे, ओ वाओ डच डच काफी बड़े थे, फ्रेंच भी बड़े ओके थे, तो शिवाजी महाराज सबके बारे में बहुत ही सतर्क है, उनको बिल्कुल दोस्त नहीं समझते, उनके साथ कम्युनिकेशन का चैनल्स ओपन रखते हैं, निगोशिएट करते हैं, लेकिन किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं करते उनके साथ, और उनको किसी तरह की जगह वो नहीं देते ले। तो ये राइट कहना ठीक नहीं होगा दैट ही लेट्स देम गो, ही नेवर रियली लेट्स देम गो एक्चुअली। गॉट इट गॉट इट ओके. सो मतलब दैट वाज बिकॉज मैं जब भी पढ़ता हूँ तो वो शायद से ब्रिटिश, आपने जैसे कहा कि उस टाइम पे नो उतने अगेन पावरफुल नहीं अगेन थे. नो अगेन दैट परसेप्शन कैन हैपन, आई एम नॉट ब्लेमिंग यू फॉर दैट परसेप्शन कैन हैपन बिकॉज अगेन वी आर लुकिंग एट इट नाउ फ्रॉम द 21st century. यू राइट सी इफ यू गॉट आर इट लुकिंग एट इट इन द 17th century देन द पोर्चुगीज आर अ बिगर थ्रेट देन द ब्रिटिश,
बट एट द सेम टाइम ही इज डीलिंग इन अ स्ट्रिक्ट मैनर विद द ब्रिटिश. गॉट इट ओके. प्रॉबली लास्ट फ्यू क्वेश्चंस. वन इज, व्हाट आर द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन शिवाजी महाराज एंड हिज इंडियन काउंटर पार्ट्स एट दैट पॉइंट? प्रॉबली थ्री और फोर डिफरेंसेस दैट यू हैव सीन. एक तो उनका उनको उनको दूरदृष्टि जो तभी के लोगों को भारत में नहीं थी, वो उन्होंने जो दिखाई हुई दूरदृष्टि है वो. दूसरा उनका इनक्रेडिबल रिजॉल्व, मतलब निश्चय, दृढ़ निश्चय कि हमको करना है ये और अगेंस्ट ऑल ऑड्स फाइट करना है. और जब आपके खिलाफ पूरी परिस्थिति हो, इतना बड़ा साम्राज्य हो, तो भी यू नो डेविड वर्सेस गोलियत काइंड ऑफ फाइट एंड यू नो यू इमर्ज द विनर. ये उनका डिटर्मिनेशन, निश्चय दूसरी. और तीसरा उनका जो उनके जो नीतियां हैं, उन नीतियों का मूल्य जो एक मूल्य एक सहिष्णुता पर आधारित है और आदर दूसरी लोगों के हक पर, उनके धर्म के पर आदर पर आधारित है और अपने धर्म धर्म की कुचंबना न होते हुए दूसरे धर्म के. ऐसा नहीं कि हम सर्व धर्म समभाव में विश्वास करते हैं तो आप हमारे धर्म के बारे में कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं. तो जब सर्वधर्म समभाव है तो अपने स्वतः अपने खुद के धर्म के बारे में भी समभाव उतना ही आदर है. और अपनी संस्कृति को मिटाने की अगर कोशिश की जाए तो उनके खिलाफ लड़ना है तो वो भी वो दिखाते. तो ये एक उनका वो नीति मूल्य एक. और मैं धर्म का धर्म इस शब्द का इस्तेमाल नीति मूल्य, मतलब धर्म इन द सेंस ऑफ यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स, यू नो जो नीति मूल्य है उसका उसके रूप में उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ. ओके. जिसे हम राजधर्म कहते हैं, राजधर्म. करेक्ट. यस. सो व्हेन वी लुक एट जो उन्होंने रिफॉर्म्स लाए, जैसे हम देखते हैं कि मिलिट्री में काफी रिफॉर्म्स लेके आए कि सैलरी स्टेट देगी, एडमिनिस्ट्रेशन में हम काफी रिफॉर्म्स देखते हैं. आई थिंक सो अष्टप्रधान वाज हिज आइडिया. यस यस. सो आई वांट टू टॉक अबाउट दिस थिंग स्पेसिफिकली एडमिनिस्ट्रेशन, व्हिच इज उस टाइम पे क्या डिफरेंस थे बिटवीन शिवाजी एडमिनिस्ट्रेशन एंड जो बाकी उनके इंडियन काउंटर पार्ट थे या मुगल्स थे या दूसरे जो आदिलशाही वगैरह थे, उसमें क्या डिफरेंसेस थे? डिफरेंसेस ऐसे थे, विदाउट गेटिंग इनटू टू मच ऑफ टेक्निकल डिटेल्स बिकॉज यू नो देयर इज अ लॉट ऑफ डिटेल देयर. तो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर में ऐसा होता था कि रेवेन्यू कलेक्शन जो होता था वो बहुत ही रैंडम था, आर्बिट्ररी था. कि अच्छा एक दिन सरदार का मूड ऐसे हो गया कि जागीरदार का मूड इतना इतना रेवेन्यू ले ले, दूसरे दिन ऐसे मूड हो गया कि 80% ले ले, तीसरे दिन ऐसे हो गया कि 90% ले ले. एक ऑर्डिनरी जो फार्मर था, खेती करने वाला आदमी था, उससे कुछ भी लेते थे, कभी भी लेते थे, कैसे भी लेते थे, उसका शोषण करते थे. तो शिवाजी महाराज ने नियमों का इम्प्लीमेंटेशन किया, नियमों को एक तो उन्होंने नियम सेटअप किए कि बाबा इस नियम को रखकर आप कलेक्ट करेंगे, कैसे भी आप कलेक्ट नहीं करेंगे, तो इतना परसेंटेज स्टेट लेगी, इतना परसेंटेज आप अगर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस निर्माण करते हो तो उसका इतना परसेंटेज स्टेट लेगी, इतना परसेंटेज आप रखोगे, एंड द प्रोड्यूस विल एंड द रेवेन्यू यू आर शेयरिंग विद द स्टेट विल डिपेंड ऑन द प्रोड्यूस. दैट वाज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स. कि ऐसे नहीं कि कुछ भी हो कि और मैं द स्टेट विल टेक अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ इट, नहीं. Correct. आप अगर इतना ही प्रोड्यूस निर्माण करते हो तो हम इतना ही लेंगे, क्योंकि आपको तो द फार्मर हैज टू सर्वाइव, राइट? Correct. If the farmer is producing only subsistence level stuff, then the state will only take so much. It will not take that much because it has to. So it was a policy implemented from the point of view of the ordinary farmer, and in the interest of the ordinary people. तो arbitrary जो collection था वो बंद हो गया उन्होंने. अब इसका मैं उदाहरण देता हूँ. एक ऐसा काफी हम जब धर्म धर्म की बात करते हो ना, तो एक टेम्पल एस्टेब्लिशमेंट था जो उस एरिया से लोगों से टैक्स कलेक्ट करता था. तो शिवाजी महाराज ने जब टैक्स की नियमावली बनाई तो उन्होंने टेम्पल एस्टेब्लिशमेंट को कहा कि अभी आप ये स्वतंत्र टैक्स लोगों से नहीं लेंगे, मेरा जो राज्य है स्टेट आपको कुछ डोनेशन देगा,
वो आप लीजिए, और जो फार्मर है वो डायरेक्टली स्टेट को देंगे और उसे आप ले लीजिए, आप इंडिपेंडेंटली उससे कलेक्ट नहीं कर सकते। एंड वाह देन द टेम्पल एस्टेब्लिशमेंट स्टिल गोज ऑन कलेक्टिंग फ्रॉम द ऑर्डिनरी फार्मर्स, ओके, क्योंकि उनको वो आदत पड़ गई है, वो शिवाजी महाराज के राज्य से भी पैसा लेते हैं और सामान्य जनता से भी पैसा ले रहे हैं, उसका फायदा ले रहे हैं। तो शिवाजी महाराज को जब ये पता चलता है तो वो पत्र देकर उनको इंस्ट्रक्ट करते हैं कि प्लीज स्टॉप दिस इमीडिएटली, आई एम गिविंग यू फ्रॉम द स्टेट कॉफर्स, यू स्टॉप कलेक्टिंग फ्रॉम द ऑर्डिनरी फार्मर्स, आई डोंट वॉन्ट एनी ट्रबल कॉस्ट टू द ऑर्डिनरी फार्मर्स। तो वाह ये एक दर्शाता है उदाहरण कि वो अगर धर्म के संरक्षक भी है और वो धर्म को धर्म के नाम पर कुछ भी नहीं होने देंगे, या टेम्पल एस्टेब्लिशमेंट, अच्छा वो धर्म के लोग हैं कुछ भी करेंगे, ऐसा भी नहीं। क्योंकि राइट जो सामान्य आदमी है उसका हक, उसकी जो व्यवस्था ठीक होना चाहिए, ये उनका उनका उनकी दृष्टि है, और ये उन्होंने हमेशा ही किया है। और उन्होंने अपने सैन्य को एक रिटर्न ऑर्डर दिया है कि आप जब मिशन पर, कैंपेन पर जाते हो तो आप यू नो डोंट इवन टच अ ब्लेड ऑफ ग्रास दैट डज नॉट बिलोंग करेक्ट टू यू, यू नो किसी भी प्रकार से रयत, रयत मतलब सामान्य खेती करने वाले लोग, उनको किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होनी चाहिए, या फिर आपको आपको बहुत बड़ी शिक्षा मिलेगी। ये उनको राइट सैन्य को उनको ऑर्डर है कि आपके घोड़े हैं वो किसी के खेती में जाएंगे, कुछ नासधूस करेंगे, कुछ नुकसान करेंगे, अगर ये मुझे पता चला तो आपको शिक्षा मिलेगी। तो हमेशा वो ध्यान में रखते हैं कि जो सामान्य जनता है उसको कोई तकलीफ नहीं, उनको उनको अपना वो प्रगति की तरफ बढ़े, और करेक्ट इसीलिए करेक्ट उनको ऐसे लॉयलिस्ट मिल जाते हैं, तानाजी मालुसरे, बाजी प्रभु देश पांडे, जो उनके लिए मतलब जान भी देने के लिए तैयार हो। राइट एक लास्ट क्वेश्चन इस पॉडकास्ट का, देन वील मूव ऑन टू यस द रैपिड फायर क्वेश्चन। इस पूरे पॉडकास्ट को अब हम सम अप कैसे करें, लाइक हाउ डू यू एंड लाइक दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन दैट एनीवन कैन हैव आफ्टर वाचिंग दिस पॉडकास्ट, व्हिच इज शिवाजी महाराज व्हाट इज हिज लेगेसी नाउ, बिकॉज वी सी कि ही इज अ ग्रेट स्टेट्समैन, काफी रिफॉर्म्स लेके आए, ही इज अ ग्रेट डिप्लोमैट, फॉरेन मिनिस्टर हो सकते हैं वो, तो मिलिट्री जनरल। नाउ हाउ डू यू सम अप दिस होल कॉन्वर्जेशन एंड हाउ डू यू डिफाइन हिज लेगेसी नाउ? शिवाजी महाराज इज एन आइकन, एन आइकॉनिक फिगर हु रिप्रेजेंट्स अ स्टेट व्हिच हैज एट इट्स हार्ट एंड कोर द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्डिनरी कॉमन सिटीजन्स एंड अ डीपली ह्यूमनिस्टिक फिलोसफी, यू नो बेस्ड ऑन स्पिरिचुअलिटी, बेस्ड ऑन इंडियाज वेरी प्रोफाउंड फिलोसफी ऑफ द वेदास एंड द उपनिषद्स एंड अ डीपली ह्यूमन अप्रोच टू इश्यूज एंड पॉलिसीज। ही प्रोटेक्ट्स हिज रिलीजन बट ही डज नॉट डिसरिस्पेक्ट अदर रिलीजन्स, ही अपहोल्ड्स द वैल्यूज ऑफ ऑल रिलीजन्स एंड इन डूइंग सो ही अपहोल्ड्स द वैल्यूज ऑफ हिंदुइज्म इटसेल्फ। तो शिवाजी महाराज इज अ विजनरी किंग, ही इज एन एग्जाम्पल ऑफ द रिजॉल्व एंड रेजिलियंस दैट अ स्टेट बिल्डर कैन एंड शुड हैव, एंड सो इन दैट सेंस ही इज एन आइकन ऑन हाउ टू बिल्ड अ स्टेट एंड हाउ टू बिल्ड अ सिक्योर एंड गुड फ्यूचर फॉर द पॉपुलेशन ऑफ दैट स्टेट। राइट राइट गॉट इट ओके सो इन द बुक एज वेल यू हैव मेंशन दिस टुवर्ड्स द एंड आई थिंक सो, कि शिवाजी महाराज की एक जो बहुत बड़ी लेगेसी है वो ये है कि इवन आफ्टर हिज डेथ, जो उन्होंने यस एक, जैसे हम हिंदी में टर्म यूज करते हैं कि वो चिंगारी जो लगाई थी, इट हाँ बिकम्स फायर एंड मुगल जो साम्राज्य था वो उसमें जल के राख हो जाता है। सो दैट इज प्रोबेबली हिज बिगेस्ट लेगेसी, हिज बिगेस्ट गिफ्ट टू द नेशन दैट इंडिया वॉज। एब्सोल्युटली, लाइक आई सेड जयेश, दैट्स हाउ आई डिफाइन हिम, ही इज अ मैन हु चेंज द पॉलिटिकल आर्किटेक्चर ऑफ द कंट्री ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। तो इससे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन क्या हो सकता है, यू नो पूरा आपने नक्शा ही बदल दिया देश का। करेक्ट करेक्ट आई वुड एक्चुअली रिक्वेस्ट एवरीवन आउट देयर टू गो बाय दिस बुक, स्पेशली इफ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ जियोपॉलिटिक्स, बिकॉज ये बुक पढ़ने के बाद में आई एक्चुअली गॉट टू सी कि उनकी जो फिलोसफी थी अबाउट फॉरेन रिलेशंस, जियोपॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी, इट वाज बियॉन्ड द पीपल हु आर इवन अलाइव टुडे। तो प्लीज बाय दिस बुक, बिकॉज दिस मैन इज एन इंस्पिरेशन फॉर एवरीवन एंड वी ऑल शुड नो हिम।
वैभव जी थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस, इट वॉज अ ग्रेट कॉन्वर्जेशन, बहुत सारी कहानियां सुनने मिली, बहुत सारी नई चीजें पता चली, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू जयेश अगेन फॉर इनवाइटिंग मी एंड इट वॉज अ वेरी नाइस कॉन्वर्सेशन, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात, थैंक यू सो Awesome. मच।